बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 6 वन भैंसों का झुंड हाल ही में देखा गया है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा के जनसंख्या वृद्धि संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उपनिदेशक इंद्रावती टाइगर रिजर्व धमशील गणवीर ने बताया कि वन भैंसों के संरक्षण के लिए पेट्रोलिंग या गार्ड व ग्रामीणों के साथ मिलकर निगरानी की जा रही है ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र की सीमा महाराष्ट्र से लगे होने से वन भैंसों का आवागमन दोनों क्षेत्रों में होता है। इसके लिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली वन विभाग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि साथ मिलकर वन भैंसे के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जा सके। भारत में वन भैंसा प्रमुखतः असम और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। वन भैंसा छत्तीसगढ़ में दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। 2800 वर्ग किलोमीटर में फैले इंद्रावती टाइगर रिजर्व वन भैंसों के लिए उपयुक्त प्राकृतिक रहवास है, जिसके कारण यहाँ वन भैंसा अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व अंतर्गत हाल ही में अभी जो है एक 6 वन भैंसों का झुंड जो है देखने को मिला है, और ये हमारे पूरे टाइगर रिजर्व प्रबंधन और हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसके लिए हम लोग लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि वन भैंसों का संरक्षण हो सके, और ग्रामीणों के साथ हम लोग मिलकर जो है वन भैंसों के संरक्षण का भी काम कर रहे हैं। हमारा जो मैदानी अमला है लगातार फील्ड में पेट्रोलिंग और निगरानी का काम कर रहा है, साथ ही साथ हम लोग ग्रामीणों को जो है इस संरक्षण के साथ जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि वन भैंसों की जो है वृद्धि जो है हमारे इस टाइगर रिजर्व में हो सके। और क्योंकि वन भैंसा जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ही और आसाम में ही पाया जाता है भारत में, तो इसकी संरक्षण और संवर्धन के लिए हम लोगों ने पूरा प्लान जो है इसका बनाया है, और इसके लिए हम लोग लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र जो लगा हुआ हमारा इंद्रावती टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है उनसे भी जो है उनके भी वन विभाग से भी हम लोग समन्वय स्थापित कर वन भैंसे के संरक्षण के लिए जो है लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं।